खातेगांव वन परिक्षेत्र की लीली सब रेंज के अंतर्गत आने वाले कक्ष के जंगल में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बताया गया कि वन विकास निगम के कक्ष क्रमांक 228 से आग शुरू हुई, जिसने देखते ही देखते लीली बीट तथा उसके आसपास के जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर देखा, इस भीषण आग के चलते वन विकास निगम के प्लांटेशन में गत 2 वर्ष पूर्व रोपे गए पौधे पूरी तरह जलकर खाक हो गए। इसी के साथ कई सागवान के वृक्ष भी जल गए। यही हाल क्षेत्रीय वन विभाग का रहा। वन सीमा से लीली तथा उसके आसपास के ग्रामों के किसानों की भूमि है, जहां गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी हुई है। आग की जानकारी मिलते ही लीली गढ़वाल तथा आसपास के गांव ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा आग बुझाने का काम शुरू किया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है सर आपका? विलास। कहाँ के डिप्टी रेंजर है आप? लीली। लीली बीट के डिप्टी रेंजर? सब रेंज लीली है। अच्छा, ये कल जो आग लगी वो कैसे आग लगी और उसमें आप लोगों द्वारा किस तरह से उसको बुझाया गया? सर, कल आग उधर जंगल से उस साइड से लगी गई, निगम के साइड से, निगम का जो क्षेत्र है उधर से लगती गई। हमको मालूम पड़ा तो हमने जो है उधर सब दूर फैल गई थी, तो आधे लोग हमारे, एक बीट गार्ड उधर उस साइड में गया, एक भी गार्ड इस साइड में चौकीदारों को लेके गए। साहब, हमसे जितनी बुझी, हवा बहुत तेज चल रही थी, वो हवा हमसे हमसे कंट्रोल नहीं हुई। फिर हमने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना करी, वहां से फायर ब्रिगेड आया, फायर ब्रिगेड से भी बुझाई गई। अरे, गांव वालों का ये आरोप है कि उन्होंने आपसे कहा था कि साहब आग लग गई है, तो आपने कहा कि यार आग लग गई तो मैं क्या करूं, इस संबंध में आपका क्या कहना? नहीं, मैंने भीट गार्ड तत्काल मैंने भीट गार्डों को और चौकीदारों को इकट्ठा करवा के भेजा। अच्छा, कितने एरिया में लगी करीबन आग? सर, अभी इसकी तो नाप करना पड़ेगी। अच्छा, फायर लाइन का काम हुआ था यहाँ पे? हाँ, हुआ था। कब करवाया था ये काम आपने? अभी फरवरी में करवाया। क्या नाम है आपका? मैं लक्ष्मी नारायण पटेल, लीली, हरणगांव मंडल किसान मोर्चा अध्यक्ष। क्या हुआ सर, बताएं? कल 9 बजे के करीब ग्राम लीली के जंगलों में हल्की सी आग जल रही थी। आग जलते जलते इतना विकराल रूप लिया, बांगड़दा बीट, लीली बीट और गढ़वाई बीट में आग लगी। जैसे किसानों को खबर मिली, लीली, कुमनगांव, मोला के सारे किसान इकट्ठे हुए, गांव से ट्रैक्टर, हल, बखर सब लेके अपनी अपनी स्थिति में आ गए। उसके बाद सर्वप्रथम मैंने विधायक जी के पास फोन लगाया, विधायक जी हाउस में थे, पीए ने उनका फोन उठाया, उनने तत्काल रुपेश भैया को जानकारी दी। रुपेश भैया अपने साथियों के साथ तत्काल मौके पे पहुंचे। मौके पे आने के बाद दोनों नगर की फायर ब्रिगेड को बुलाया उनने, कन्नौज खातेगांव, किसानों के साथ मिलके उनने आग बुझाने का काम किया। पहले गढ़वाई बीट में आग लगी, गढ़वाई बीट की आग किसानों के खेत में उतरी, लगानी भूमि फॉरेस्ट से लगी हुई थी, इसके कारण रामनारायण जी देवाचिया, लक्ष्मी नारायण देवाचिया, सुनील जाखड़, अनिल जाखड़ के काफी मात्रा में गांव जले। उसके बाद गांव वालों की सहायता से मिलके किसानों की मदद से हमने जैसे तैसे 5 बजे तक आग पे काबू पाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।